सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवीएस वंस अगेन। तो एज यू ऑलरेडी नो कि सीयूटी के आंसर की आ चुका है, रिस्पांस की आ चुका है, तो फटाफट से आप लोग जाके रिस्पांस की के साथ आंसर की का चेक कर लीजिए। ये प्रोविजनल आंसर की है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका मिलेगा। सिंपल बात है सर, क्या क्या क्वेश्चन हमें लगता है कि चैलेंज करना चाहिए? एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि चैलेंज होना चाहिए, जो है कि ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास ऑप्शन में आंसर गिवन है, कोई भी एक ऑप्शन का आंसर भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसका ई सेल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब अकॉर्डिंग टू दिस सेल रिप्रेजेंटेशन, कैथोड में कॉपर आयोडाइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या गिवेन है, 0.17। माइनस ऑफ एनोड में क्या होगा, Zn2+ का, और जिंक जिंक जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है, दैट इज कन्फर्म। लेकिन यहाँ पे Zn2+ का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवेन है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू गिवेन है हमें ये डायरेक्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग कैथोड वर्सेस एनोड में जब भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हमेशा जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते तब हम लोग हमेशा और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही लेते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये करके देखोगे तो वैल्यू आपका कितना आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.93 के आसपास वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। तो एनी हाउ मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन जो है डेफिनेटली चैलेंजेबल क्वेश्चन होगा। उसके साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा क्वेश्चन लगता है कि जो कि चैलेंज करने के लिए जरूरी है और चैलेंज हो सकता है। देखो, और एक क्वेश्चन का बहुत बार मेरे पास ये आया है कि सर जो फेज इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स और वेपर फेज के बीच में जो फेज ट्रांसफर हो रहा है उसमें क्यों हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके लिए हमारे पास क्यों आ रहा था कि एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। तो सर यहाँ पे प्रेशर जो गिवन था वो 180 गिवन था, एंड यहाँ पे हमारे पास फेज दो प्रेजेंट है और कॉम्पोनेंट वन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, फेज यहाँ पे टू प्रेजेंट है प्लस ये, तो दैट मीन्स हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन आना चाहिए। लेकिन आप में से कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि सर यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जीरो आना चाहिए, तो आप लोग एक बार बताइए क्या आप लोगों के पास आंसर की में कौन सा ऑप्शन गिवन है। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन होगा, क्योंकि वन कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए हम लोग सिंपल ये गिब्स फेज रूल यूज करते हैं और उसमें से टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से हम लोग ये टू को ऐड करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर प्रेशर एट 180 ये तो गिवन था, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, हम लोग क्यों लेंगे? तो एक चीज बताओ, कोई भी फेज ट्रांसफर होता है, फेज ट्रांसफर में प्रेशर हमेशा और हमेशा चेंज हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो दैट मींस जो भी हो जाए प्रेशर, मेरे हिसाब से जितना मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है उस हिसाब से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर जो है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन ही आना चाहिए। बाकी आप लोग बताना, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि चैलेंजेबल है, प्लीज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।